अच्छा डिप्रेस्ड और अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अमन सबसे पहले आप अपने एनवायरमेंट को बदलो कि आप कहाँ बैठे हो बंद कमरे अंधेरे लाइटों में तो नहीं बैठे थोड़ा बाहर घूमना स्टार्ट करो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो ये जो मोबाइल जैसी दुनिया है इससे थोड़ा सा दूर हो जाओ वहाँ पे आपको सबको लंबा उगनी और सब आपसे स्मार्ट दिखेंगे तो आप सोचोगे आपने जीवन में कुछ नहीं कराए और साथ में खुद को दूसरों से साथ कंपेयर करना बंद कर दो कि यार यार इसने तो ये कर लिया मेरी भी एज लगभग बराबर हो गई मैं ये क्या सबका अपना अपना फेज है कुछ लोगों ने पचपन की एज में कुछ किया आई जस्ट लव्ड योर आंसर और मैं चाहता हूँ ये आंसर खाली ये सेक्शन आंसर सब लोगों तक पहुँचना चाहिए कि बंद कमरे से बाहर निकलो लाइट बंद तो नहीं है अंधेरे में तो नहीं हो बाहर निकलो फटाफट पड़, दूसरों से कंपेयर मत करो मोबाइल की दुनिया छोड़ दो पूरा आंसर रिपीट कर रहा हूँ मैं आपका आई जस्ट लव्ड इट थैंक यू है ना क्या लगता है चार पॉपुलर मुझे समझ में आते हैं डिस्ट्रैक्शन हैं ओ बच्चों के लिए सोशल मीडिया या गेमिंग या व्हाट्सएप चारों में मतलब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है सारे के सारे बराबर रोल प्ले कर रहे हैं हर बच्चे कुछ बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं कुछ हैं जो मान लो रिलेशनशिप में तो व्हाट्सएप वगैरह जैसी चीज़ ज़्यादा होंगी कुछ बच्चे हैं जो गेमिंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मैं कभी कभी कहता हूँ अपने मम्मी पापा को अपना मोबाइल दे दो और जब आप अपना एक टाइम फिक्स कर दो कि दिन में दो घंटे मेरे को पढ़ना होता है ऑनलाइन या जितना भी आपका समय आधा घंटा एक घंटा चार घंटा और उसी दौरान आप पढ़ो और वापस दे दो ये बड़ा अजीब लगेगा कि यार मेरे दोस्तों के तो पर्सनल फ़ोन है मेरे पास तो पर्सनल फ़ोन नहीं है देखो माँ बाप का पर्सनल फ़ोन लेना चाहते हो या कल को बड़ा होकर अपना एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हो ये एक प्रश्न है जो काफ़ी बच्चे हैं तो देखो मैनेज कर लेंगे आपकी क्लास में भी एक दो बच्चे होंगे जो मैनेज कर लेंगे फिर वहाँ पर आपको अपने खुद से बात करनी है आप अपने आप को पहचानते हो क्या मैं वो बच्चा हूँ जो खुद को मैनेज कर लेगा राइट कुछ बच्चों का मन होता है फिजिक्स पढ़ने का कुछ का मन नहीं होता पढ़ने का जिसका मन है वो मोबाइल के साथ भी पढ़ रहा है तो वहाँ आपको अपने आप को जांचना है जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति कर रहा है उसको कॉपी मत करो वो कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा आज अमन भैया एक अंतरपोन्य बन गए हैं ठीक है आज बिजनेस चला रहे हैं इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं पैसा भी चार्ज कर रहे हैं एटेक में सबको पता है दो मॉडल हैं एक कैश बर्न का मॉडल एक फ्रीमियम मॉडल एक मॉडल है जहाँ पे आप फायरिंग होनी शुरू हो गई है आप हायरिंग कर रहे हो एक मॉडल है जहाँ पे बड़ी सेल्स की टीम है आप यूट्यूब से ट्रैफिक लाते हो तो सेल्स की टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको अच्छे टीचर से ही होते हैं तो एक मॉडल है जब खूब मार्केटिंग में पैसा होता है आप नहीं करते वो फंडिंग चलाते हैं बूथ चलते हैं आपको क्या लगता है कि ये आपके वाला मॉडल बढ़िया है फ्री में पहले यूट्यूब पर ट्रैफिक बिल्ड करो और वहाँ से रेवेन्यू लाओ या फिर फंड रेजिंग की तरफ भी जाना चाहिए आप एड को कैसे देखते हैं मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि अमन आप फंड रेज क्यों नहीं करते और आप सेल्स टीम जैसी चीज़ में बिल्ड क्यों नहीं करते आप एक थर्ड को फाउंडर लेके क्यों नहीं आते आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दो और पीछे से बैकेंड कोई आपके बैकेंड देखता जाएगा और वो फंड रेज कर लेगा आपकी टीम बड़ी हो जाएगी मैं जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ इन्हीं सेम बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग छः सौ छः सौ लोगों की टीम दो दो हज़ार लोगों तक की टीम लगती है पर उस टीम में एक सबसे बड़ा पोर्शन होता है सेल्स टीम का मेरा ये है कि एजुकेशन के अंदर आज के दिन अगर हम प्रेजेंट जब हमने शुरुआत करी थी तब तो कुछ नहीं था मेरे को अभी भी याद है हॉस्टल रूम से स्टार्ट किया था उसके बाद एक कमरा लिया था उस एक कमरे में पहले एक तीन चार हज़ार रुपये का बोर्ड लगाया था